तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग सॉल्विंग इनइक्वालिटीज देखेंगे। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाया था पर वो एक्चुअली वीडियो सेव नहीं हुआ, तो मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा एक वीडियो जैसे जो भी इक्वेशन आपको दिया है वो आपको एक्स प्लस और माइनस अल्फा में लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए अल्फा माइनस अल्फा प्लस और माइनस एक्स, दिस इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। आपका जो भी इनइक्वालिटीज है वो एक्स प्लस और माइनस अल्फा में होना चाहिए। ये आपका प्लॉट ऑल रूट्स नंबर लाइन इन ऑर्डर, जो भी रूट दिया रहेगा उसको आपको नंबर लाइन में आपको प्लॉट करना है, ठीक है। Put plus sign on the RHS of the root. Root के RHS part में आपको plus sign put करना है, ठीक है? Plus on the RHS side of the number line. Now move towards the left. Left hand side move करना है और reverse करना है, जो sign है उसको reverse करना है. Except that the root is even exponent. जो even power है, even power को छोड़कर सभी जगह आपको reverse करना है, ठीक है? अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक एग्जांपल है, ठीक है, इनइक्वालिटीज का। तो उसका सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन में क्या है, अब इसको देखो एक्स माइनस वन फोर प्लस एक्स, ये एक्स प्लस और माइनस अल्फा में नहीं है तो हम इसको एक्स प्लस और माइनस अल्फा में जाएंगे। तो एक्स प्लस फोर जो होल क्यूब, यहाँ भी देखो x प्लस और माइनस अल्फा में नहीं है, सेवन माइनस एक्स है तो x माइनस सेवन, एक्स माइनस यहाँ सेवन किया तो यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑन बोथ द साइड, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन ऑन बोथ द साइड, x माइनस एट, x माइनस टेन। अब मेरे माइनस से अगर मेरे मल्टीप्लाई किया, माइनस अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये जो साइन है ना ये मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने बना दिया, अब प्लॉट ऑल रूट्स, अब रूट्स को हम लोगों को नंबर लाइन में ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये मेरा वन वन माइनस फोर, ठीक है, सेवन एट और टेन, ठीक है। पुट प्लस साइन ऑन द आरएचएस, अभी देखो ये देखो पुट प्लस साइन ऑन द आरएचएस ऑफ ऑल द रूट, तो यहाँ पे मैंने प्लस साइन पुट किया, ठीक है। एंड नाउ मूव टुवर्ड लेफ्ट एंड रिवर्स साइन, अभी लेफ्ट हैंड साइड में मुझे मूव करना है और साइन को रिवर्स करना है, ठीक है। इसमें भी कंडीशन है क्या, इवन इवन पावर का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इवन पावर देखो, ये मेरा इवन पावर है, ये मेरा इवन पावर है, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ मैंने प्लस किया तो ये मेरा माइनस है। अब एट पे क्या होगा, एट पे देखो एक्स माइनस एट, इसका पावर क्या है,
इसका पावर 4 है, 4 क्या है मेरा इवन है, तो यहाँ पे मेरा साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे मेरा माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आया, ठीक है। उसके बाद x माइनस 7 का पावर क्या हुआ नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरा x माइनस 1 का पावर क्या 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। अब x प्लस 4 का पावर क्या 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा प्लस है, तो ये है, तो ये प्लस है, तो एज इट इज यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तो ये मेरे को नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर दिया। अब यहाँ पे क्या दिया है, ठीक है, अब नंबर लाइन पे प्लॉट करने के बाद क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो x belongs to, अब देखो x belongs to, अभी यहां से अगर मैं ये साइड अगर मूव करूंगा तो माइनस इंफिनिटी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 4, माइनस 4, ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। यूनियन, यूनियन, अब मेरा हाँ यूनियन 7, 8, ठीक है, यूनियन 8, 10, ठीक है, यूनियन ये मेरा 1 है, जो मेरा रिमेनिंग है, अगर समझ लो मेरा ये लेस देन 0 ही होता तो मेरा ये फाइनल आंसर होता, लेस देन 0 होता था। अभी यहाँ इक्वल टू है, तो इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, मान लो न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में जो वैल्यूज दिया है उसको हम चेक करेंगे। अभी यहाँ x का जो रूट है मेरा माइनस 4 आया, ठीक है, तो माइनस 4 को माइनस 4 की इधर मैंने क्लोज लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे 7 है तो 7 पे मैंने क्लोज लगा दिया, ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर है ये इक्वेशन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है, ये स्टेप को आप फॉलो करो, सॉल्व इनइक्वालिटी को करिए, स्टेप्स को आप प्रॉपर फॉलो करो, एग्जाम में रिकॉल करने की कोशिश करो, ठीक है, जब भी आप एग्जाम में जाते हो एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है, समझ लो, तो ये आपके ये आपके लिए इजी होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आगे और भी वीडियोज में